नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद सहारनपुर में अपराध नियंत्रण में संदिग्ध व्यक्ति वाहन की पुलिस द्वारा सघन चेकिंग की जा रही है। इसी दौरान थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान आज कस्बा नकुड़ जनक बाजार में एक सफेद रंग की गाड़ी I-20 जिसका रजिस्टर्ड नंबर BB39K8383 को रात्रि नावक्त और गया प्रांत की होने के कारण संदिग्ध लगने पर रोक कर चेक किया गया तो गाड़ी में 5 व्यक्ति सवार मिले, जिनकी तलाशी लेने पर उनके पास से 38,35,000 रुपए बरामद हुए, जिनसे कैश व कार से संबंध में प्रपत्र मांगे गए तो कोई भी प्रपत्र नहीं दिखा सके और न ही कोई संतोषजनक जवाब दे पाए। उप जिलाधिकारी नकुड़ का अवगत कराते हुए नायब तहसीलदार की मौजूदगी में संदिग्ध 38,35,000 रुपए को थाना नकुड़ पुलिस द्वारा कब्जे में ले लिया गया। कल रात्रि में थाना नकुड़ में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस सीमा पर चेकिंग कर रही थी, इस पर एक वाहन पकड़ा जिसमें कि 38,35,000 रुपए कैश लगभग मौजूद था और इसमें जो गाड़ी में सवार पांचों व्यक्ति हैं उनसे जब कैश के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया तो कोई संतोषजनक कारण वो नहीं बता पाए, ना ही कोई कागजात दिखा पाए। इस पर वो कैश और वाहन नायब तहसीलदार की मौजूदगी में उसे सीज किया गया है और ट्रेजरी में जमा करवाया गया है। जो पांचों युवक हैं उनसे आगे SDM और CO की कमेटी बनाकर जांच की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही इस कैश की जानकारी आयकर विभाग को भी दी जाएगी और उनके स्तर से भी जो भी विधिक कार्यवाही है। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।